गठजंदूर नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद पर चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद जोगी विजयी हुए। गठजंदूर नगर परिषद का चुनाव 9 जनवरी को संपन्न हुआ था। कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में सविता टेकाम नगराध्यक्ष पद पर विजयी हुई थी। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस तिरिपा युति के उम्मीदवार शरद जोगी ने शिवसेना के शेख सरवर शेख सालू को 10 के विरुद्ध 6 मतों से पराभूत कर विजय हासिल की। गौरतलब है गठजंदूर नगर परिषद में कांग्रेस के 5, शिवसेना के 5, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 4, भाजपा के 2, शेतकरी संगठन के 1 ऐसी संख्या बल पर नगराध्यक्ष पद पर कांग्रेस के सविता टेकाम विजयी हुई थी। उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के नगर सेवक तटस्थ थे। इस मौके पर चुनाव निर्णय अधिकारी के रूप में मुख्य अधिकारी विशाखा शेलके ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के नगर सेवकों ने शहर से एक विजयी जुलूस निकाला। इस मौके पर कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस तिरिपा के नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सिटी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि गणेश लोंडे की रिपोर्ट। तो मी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या युतीतून वार्ड नंबर 4 मधून निवडून आलो, पॅनल सहित निवडून आलो। त्याच्यानंतर लोकांनी माझ्यावर जो विश्वास ठेवला, मला विजय करून जो माझ्यावर लोकांनी विश्वास ठेवला आणि तसेच आमच्या पक्षांनी आणि राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनी मिळून मला नगर उपाध्यक्षाचं पद दिलं, तरी मी त्या पदाचा गैरवापर करणार नाही आणि पूर्ण गावाच्या समस्या जे कोणत्याही राहील, जे आमच्या पद्धतीनं होणार ते आम्ही करून देऊ आणि गोरगरिबांना कधीही मदत करू आणि आम्ही असं करू गडचांदूरला की पहिलं जे काही काम शिल्लक राहिलं होते गेलेल्या 5 वर्षाच्या पहिले, ते आम्ही पूर्ण करू आणि गडचांदूरचे मन जिंकू। गडचांदूरच्या सर्व जनतेचे आणि आमच्यासोबत सर्व नगरसेवक जेवढे निवडून आले त्यांचे सर्वांचे आभार मानतो।